नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय चैटर्जी और बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है। हिंदू पंचांग के मुताबिक फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को महाशिवरात्रि का महापर्व मनाया जाता है। इस दिन भगवान शिव की विधि विधान से पूजा अर्चना के साथ साथ भक्त व्रत भी रखते हैं। इस बार महाशिवरात्रि 1 मार्च को पड़ रही है। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव की पूजा करने के साथ रुद्राभिषेक करने से सभी कष्टों से छुटकारा मिलने के साथ सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। वहीं इस साल महाशिवरात्रि के दिन से ही पंचक शुरू हो रहे हैं। पंचक शुरू से लेकर अगले 5 दिनों तक कुछ काम करने की मनाही होती है। ज्योतिषाचार्यों की माने तो पंचक 1 मार्च को शाम 4:31 से शुरू होकर 6 मार्च तड़के 2:29 तक रहेंगे। वही धनिष्ठा से लेकर रेवती नक्षत्र तक पंचक रहते हैं और इस दौरान घर की छत बनाना, लकड़ी इकट्ठी करना, चारपाई बेड बनवाना या लेना वर्जित होता है। इस दौरान ऐसा करने से इन सब के शुभ परिणाम नहीं मिलते। शास्त्रों के मुताबिक पंचक के दौरान कुछ चीजों को करना निषेध है। अग्नि चौर भयम रोगो राज पीड़ा धन क्षति संग्रहे तृणा काष्ठानाम कृते वसवादी पंचके। इस श्लोक के मुताबिक पंचक के दौरान घर में लकड़ी आदि का काम करना या घर बनवाना, लकड़ी इकट्ठी करना, छत का निर्माण करना, अंतिम संस्कार करना, पलंग या चारपाई बनवाना, दक्षिण दिशा की ओर यात्रा करने की मनाही है। पंचक के दौरान अगर किसी व्यक्ति का निधन हो जाता है तो इसके लिए गरुण पुराण में एक खास उपाय बताया गया है, जिसे करने से पंचक दोष नहीं लगता। किसी योग्य पंडित को बुलाकर आटे, बेसन या कुश से बने 5 पुतलों को अर्थी पर रखकर विधि विधान के साथ साथ शव के साथ ही इनका भी अंतिम संस्कार करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।